फिल्म की शुरुआत एक बर्फीले एरिया से होती है। यहाँ हम देखते हैं कि राजकुमार राव बेहोश बर्फ में पड़े रहते हैं। तभी राजकुमार को होश आता है। राजकुमार भाग रहे होते हैं और पुष्पा नाम की लड़की को आवाज़ दे रहे होते हैं। तभी एक बड़े से घर से पुष्पा के चीखने की आवाज़ें आती है। पुष्पा विक्रम को आवाज़ दे रही होती है और जोर जोर से रो रही होती है। यहाँ राजकुमार राव का नाम विक्रम रहता है। पुष्पा किसी के कब्जे में रहती। विक्रम पुष्पा को बचाने पहुंचता है, लेकिन गेट को लॉक रहने के कारण विक्रम अंदर नहीं जा पाता। उस वक्त पुष्पा जोर जोर से चिल्लाकर विक्रम की मदद मांग रही होती है और हमें ये समझ में आता है कि पुष्पा को किसी ने जला दिया गया है। तभी विक्रम की आँख खुलती है और विक्रम किसी डॉक्टर के पास रहता है, जो उसकी फ्रेंड भी रहती है। विक्रम अपनी यादें डॉक्टर को बता रहा होता है, जिन यादों की वजह से विक्रम काफी परेशान रहता है। डॉक्टर विक्रम को उसका ये जॉब छोड़ने के लिए कहती है, क्योंकि इस काम के वजह से उसको पुरानी यादें बार बार याद आती है। लेकिन विक्रम ऐसा करने से मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। विक्रम अपनी कार ड्राइव कर रहा होता है और बैकग्राउंड में गाना बजते रहता है। हमें गाने के साथ साथ कुछ विक्रम के बचपन के फ्लैशबैक में दिखाए जाते हैं। कुछ पुलिस वाले विक्रम को सल्यूट करते हैं तो हमें समझता है कि विक्रम एक पुलिस ऑफिसर है। विक्रम अपने घर पहुंचता है और एक शॉवर लेता है। परेशानी के कारण विक्रम ड्रिंक करता है। तभी एक टेक को देखते हैं, जो काफी समय से विक्रम के साथ रहता है। यहाँ पर गाना खत्म होता है। अगले सीन में हम विक्रम को क्राइम लोकेशन पर देखते हैं। इस केस को पहले अक्षय नाम का ऑफिसर हैंडल कर रहा होता है। पुलिस हवालदार विक्रम को कहता है एक बॉडी इसी एरिया में दफनाई गई है। विक्रम के यहाँ आने से अक्षय को अच्छा नहीं लगता है और अक्षय उसे जाने को कहता है। विक्रम अक्षय को कहता है कि वो सिर्फ शेखावत सर के ऑर्डर मानता है। तभी अक्षय को शेखावत का कॉल आता है और अक्षय को केस छोड़ कहता है। तब विक्रम को कोई सुराग मिलता है और वो आगे बढ़ता है। विक्रम घास के कुछ सैंपल को तोड़ता है। अक्षय विक्रम को जलता है। उसे लगता है कि विक्रम किसी काम का नहीं है। उधर विक्रम तीन जंगली घास के सैंपल ता है और बाकी पुलिस वालों को ऑर्डर देता है कि ऐसी जगह देखो कि तीनों जंगली घास एक ही जगह पर उग आई हो। पुलिस वालों को तीनों घास एक जगह पर मिलती है। विक्रम उस जगह खुदाई करने का ऑर्डर देता है। खुदाई में बॉडी मिलती है। उस बॉडी को देखकर विक्रम बेचैन हो जाता है। उसे वही यादें दिखने लगती है जिससे विक्रम हमेशा परेशान रहता है। विक्रम अपने गाड़ी की तरफ जाता है और लंबी सांस लेता है। विक्रम का दोस्त उसे पूछता है कि उसे बॉडी का पता कैसे लगा। विक्रम कहता है कि जंगली घास के जमीन के नीचे ऐसे कुछ बायोकेमिकल्स रहते हैं कि उसे अगर काटा जाए तो वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। उसी कारण तीनों प्रकार की घास एक ही जगह पर उगाती है। अगले सीन में हम नेहा को देखते हैं। नेहा फॉरेंसिक में काम करती है। वो अपने जूनियर को प्रोजेक्ट के बारे में बता रही होती है। वो जूनियर नेहा से बदतमीजी से बात करता है। नेहा भी उसे पलट कर जवाब देती है और कहती है कि अगर औरत से तुम्हें ऑर्डर नहीं लेना है तो घर पर बैठो। विक्रम और उसका दोस्त नेहा से मिलने आते हैं। उसके बाद विक्रम और नेहा डिनर पर जाते हैं। दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। नेहा विक्रम से कहती है कि तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते हो, क्योंकि तुमने मुझे अपने पिछली जिंदगी के बारे में नहीं बताया है। विक्रम कहता है झूठ नहीं बोल सकता और सच मैं तुम्हें बता नहीं पाऊंगा। नेहा कहती है कि तुम्हें जब सही लगे तब बता सकते हो और एक लव सॉन्ग बैकग्राउंड में सुनाई देता है। गाने के माध्यम से हमें समझ आता है कि दोनों के बीच कितना प्यार है। गाना खत्म होने के बाद नेहा विक्रम के डॉक्टर से मिलती है। डॉक्टर कहती है कि अगर विक्रम ने ये जॉब नहीं छोड़ी तो उसे पैनिक अटैक आ सकता है, या फिर मैं विक्रम को अनफिट सर्टिफिकेट दे दूंगी ताकि उसे जॉब से निकाला जाए। नेहा विक्रम को जॉब छोड़ने के लिए मनाती है, लेकिन विक्रम कहता है कि अगर उसने जॉब छोड़ दी तो वो पागल हो जाएगा, जॉब नहीं छोड़ सकता है। नेहा कहती है कि अगर तुम जॉब नहीं छोड़ोगे तो डॉक्टर तुम्हें अनफिट सर्टिफिकेट दे देंगी। इस बात पर विक्रम गुस्से से भड़क जाता है। नेहा विक्रम को शांत करते हुए कहती है कम से कम कुछ हफ्तों की छुट्टी लेकर गांव चले जाते हैं, लेकिन विक्रम कुछ नहीं कहता। तब नेहा गुस्से से कहती है कि ना तुम अपने पास्ट के बारे में मुझे बताते हो और ना ही मेरी कुछ सुनते हो, तो क्यों मैं तुम्हारे साथ रहूं। इस बात पर विक्रम वहां से नाराज होकर चले जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि विक्रम कार से अपने ऑफिस में आता है। विक्रम होमोसाइड इंटरवेंशन टीम यानी HIT हिट डिपार्टमेंट में काम करता है। विक्रम 3 महीने की छुट्टी की अर्जी अपने बॉस को देता है। विक्रम छुट्टी ले रहा है। इस बात पर उसके बॉस को यकीन नहीं होता है। बॉस विक्रम की छुट्टी मान लेता है, लेकिन हमेशा फोन पर अवेलेबल रहने के शर्त पर मानता है। यहाँ से HIT के पहले केस की शुरुआत होती है। हम देखते हैं कि एक खूबसूरत लड़की तैयार हो रही होती है। तब उसको किसी का कॉल आता है और वो लड़की परेशान होकर कहती है कि उसे बात नहीं करनी है और फोन कट कर देती है। वो लड़की अपनी माँ से छुपकर कार की चाबी लेती है और जाते जाते अपने पापा को बाय बोलकर लाल कलर के कार
कार से बाहर जाती है। वो लड़की कार से हाईवे से होकर जाती है। हाईवे पर उसे पहले जगतपुरा का टोल गेट पास करना पड़ता है, उसके बाद उसे दौलत नगर का टोल गेट पास करना पड़ता है। लेकिन थोड़ी देर बाद वो लड़की दौलत नगर से यू टर्न लेती है और वापस घर की ओर जाती है, लेकिन वापस जाते समय उसकी कार खराब होकर बंद पड़ जाती है। तभी वहाँ पुलिस की गाड़ी गुजर रही होती है, गाड़ी रुकती है और उसमें से एक पुलिस वाला बाहर आता है। पुलिस वाला उस लड़की को उसके घर पर छोड़ने के लिए पूछता है, मगर वो लड़की लेडी कांस्टेबल ना होने के कारण पुलिस वाले के साथ जाने से मना कर देती है। लड़की पुलिस वाले से उसका मोबाइल मांगती है और अपने पापा को कॉल करके वहां बुलाती है। वो पुलिस वाला जगतपुरा पुलिस स्टेशन को फाइल लेकर पहुंचता है, लेकिन वो गलत फाइल रहती है, उस कारण उसे वापस अपने पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है। वापस जाते समय रोड के दूसरे तरफ वो पुलिस वाला उस लड़की को देखता है। वो लड़की नीले कलर के कार वालों के साथ बात कर रही होती है। पुलिस वाला अपने पुलिस स्टेशन से सही फाइल लेता है और जगतपुरा स्टेशन के लिए निकलता है। रास्ते में जाते वक्त पुलिस वाले को उस लड़की के पापा दिखते हैं, लेकिन लड़की वहां नहीं रहती। पुलिस वाला कहता है कि थोड़े देर पहले ही मैंने दूसरी तरफ से देखा था कि आपकी लड़की किसी नीली कार वाले से बात कर रही थी। पापा घर पर फोन करते हैं, लेकिन लड़की घर पर पहुंची नहीं रहती है। पुलिस वाला अपना नाम इब्राहिम बताता है, जो SI रहता है। उस दिन लड़की घर नहीं पहुंचती है। दूसरे दिन लड़की के माता पिता पुलिस स्टेशन और इब्राहिम पर गुस्सा होते हैं। उनको लगता है कि पूरी गलती पुलिस वाले इब्राहिम की ही है। उसके पापा को लगता है कि लड़की को सेफ रखने की जिम्मेदारी इब्राहिम की थी। इब्राहिम लोगों पर गुस्सा होता है और मिसिंग होने की रिपोर्ट लिखवाने के लिए बोलता है। आगे इब्राहिम इस लाल गाड़ी की तलाशी करता है। इब्राहिम टोल गेट के CCTV फुटेज लेता है और दूसरी नीली कार की फुटेज भी देखता है, लेकिन उसे कुछ भी जानकारी नहीं मिलती है, जैसे कि नीली कार गायब हो चुकी हो। तो इब्राहिम अपने स्टाफ को पिछले 4 टोल गेट के CCTV फुटेज लाने के लिए कहता है। आगे इब्राहिम को जगतपुरा स्टेशन में बुलाया जाता है, जहां उस लड़की के माता पिता भी रहते हैं। वहां पर HIT हिट के हेड ऑफिसर शेखावत भी आए रहते हैं। शेखावत को इब्राहिम की ड्रेसिंग अच्छी नहीं लगती है। शेखावत इब्राहिम को लड़की के माता पिता से सॉरी बोलने को कहता है, लेकिन इब्राहिम मना कर देता है। इब्राहिम को कुछ महीनों के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है, क्योंकि सबसे पहले इब्राहिम ने ही उस लड़की को देखा था। मिस्टर सक्सेना, जो कि नेहा के बॉस है, 2 महीने बाद विक्रम को कॉल करते हैं और बताते हैं कि नेहा कुछ दिनों से गायब है, उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। ये बात सुनकर विक्रम टेंशन में आ जाता है और सीधे अपने ऑफिस में शेखावत को मिलने आता है और नेहा का केस उसे सौंपने के लिए कहता है। तभी वहां अक्षय आता है और नेहा का केस अक्षय के पास रहता है। 2 महीने के बीच नेहा ने विक्रम को कई बार कॉल किए रहते हैं, लेकिन विक्रम नेहा से गुस्सा होने के कारण उसने नेहा के फोन नहीं उठाए रहते हैं, इसलिए अक्षय को विक्रम पर भी शक है। HIT हेड शेखावत भी केस विक्रम को देने से मना कर देता है। तब विक्रम कहता है कि मुझे जो करना है मैं अपने हिसाब से करूंगा और वहां से निकल जाता है। आगे हम विक्रम और उसके दोस्त को नेहा के घर के पास देखते हैं, जहां पुलिस का बंदोबस्त रहता है। लेकिन विक्रम होशियारी से नेहा के घर में दाखिल होता है और उसे घर में किसी चीज की बास आती है। वो घर की तलाशी लेता है, उसे तब नेहा याद आ रही होती है। जब विक्रम बेडरूम में जाता है तब उसे उस पुरानी याद उसको दिखती है और वो लाइट चालू करता है। उधर बाहर पुलिस वालों को शक होता है और वो अंदर की ओर आते हैं, लेकिन तब तक विक्रम वहां से निकल जाता है। विक्रम अपने दोस्त को बताता है कि उसे घर के अंदर इत्र की बास आ रही थी। नेहा को खोने से विक्रम टेंशन में रहता है। विक्रम को पछतावा होता है कि उसने नेहा के कॉल रिसीव नहीं किए थे। वहां पर नेहा के बॉस मिस्टर सक्सेना आते हैं और दोनों को अपने कैबिन में ले जाते हैं। पिछले 3 महीने में नेहा ने जितने भी केस हैंडल किए थे उसकी डिटेल्स सक्सेना दोनों को देता है। छानबीन करने के बाद विक्रम को कुछ जानकारी मिलती है। विक्रम अपने दोस्त को बताता है कि ये प्रीति माथुर का केस था, जो लड़की लाल गाड़ी से 2 महीने पहले गायब हुई थी। विक्रम को नेहा का केस और प्रीति का केस एक जैसा लगता है और हमें पता चलता है कि सिर्फ प्रीति का ही एक ऐसा केस होता है जो नेहा सॉल्व नहीं कर पाती है। सक्सेना विक्रम को बताता है कि प्रीति का केस इंस्पेक्टर सैनी हैंडल कर रहा है। विक्रम और उसका दोस्त दोनों इंस्पेक्टर सैनी के पास जाते हैं और केस के बारे में पूछताछ करते हैं। सैनी उन्हें कुछ एविडेंस देता है जो प्रीति के कार के पास से मिले थे, जिसमें एक कॉटन का टुकड़ा रहता है और उसकी महक वैसी ही रहती है जैसे विक्रम ने नेहा के घर में महसूस की थी। उसके बाद विक्रम फिर से शेखावत के पास जाता है और प्रीति का केस अपने तरफ ले लेता है। विक्रम को यकीन हो जाता है कि जिसने प्रीति को किडनैप किया है वो आदमी नेहा के घर में भी गया था। विक्रम रोहित को कहता है कि प्रीति के केस से जुड़े सभी फाइल्स और CCTV फुटेज मुझे लाकर दे और प्रीति के परिवार वालों के DNA भी ला कर दे। घर जाकर
विक्रम प्रीति की फाइल चेक करता है, लेकिन वो काफ़ी परेशान लगता है। उसका दोस्त रोहित और उसकी पत्नी सपना उसके लिए खाना लाती है। उसके बाद विक्रम इब्राहिम से मिलने जाता है। इब्राहिम विक्रम को पूरी कहानी बताता है। तब विक्रम कहता है कि उसको घर की तलाशी लेना है। विक्रम घर की छानबीन करता है, लेकिन उसे कुछ हाथ नहीं आता। वहां से निकलते समय विक्रम इब्राहिम से हाथ मिलाता है और गाड़ी में आकर उसके फिंगरप्रिंट एक पॉलीथीन में संभाल कर रखता है। इब्राहिम के सिगरेट फेंकने के बाद सिगरेट का भी सैंपल जमा कर लेते हैं। विक्रम अक्षय के कैबिन में फाइल चेक कर रहा होता है, तब वहाँ अक्षय आता है और विक्रम को वहाँ से बाहर निकाल देता है। विक्रम और रोहित उसी जगह जाते हैं जहां प्रीति की गाड़ी बंद पड़ी थी और उस जगह की छानबीन करते हैं, लेकिन उन्हें वहां पर कुछ नहीं मिलता। उसके बाद दोनों उस रास्ते की तलाशी करते हैं जो रास्ता प्रीति के घर से हाईवे को टच होता है। उसके बाद विक्रम प्रीति के घर जाता है और विक्रम उसके माँ बाप से पूछताछ करता है और घर की तलाशी लेता है। विक्रम पूछता है कि प्रीति के अकाउंट से हर महीने सरस्वती अनाथ आश्रम को पैसे क्यों जाते हैं। प्रीति की माँ कहती है कि प्रीति को उसी आश्रम से अडॉप्ट किया गया था, इसलिए हर महीने उसके अकाउंट से उस आश्रम को पैसे ट्रांसफर होते हैं। ये सब बातें रोहित नोट कर रहा होता है और विक्रम को ये सुन के धक्का लगता है। प्रीति की माँ बताती है कि उसके भैया और भाभी ने प्रीति को अडॉप्ट करके इंग्लैंड ले गए थे, लेकिन एक प्लेन क्रैश में दोनों की मौत होने के बाद प्रीति उसके साथ रहने लगी है और प्रीति 18 साल की होने के बाद आश्रम का व्यवहार वो खुद देखती है। विक्रम वहां से सीधे अनाथ आश्रम जाता है और प्रीति के बारे में पूछताछ करता है। सभी लोग प्रीति के बारे में बोलते हैं कि वो एक अच्छी लड़की थी। विक्रम आश्रम की तलाशी लेता है। हमें पता लगता है कि प्रीति के पैसे से 10 बच्चों का पालन पोषण होता है। उसके बाद विक्रम प्रीति के घर के कमरे की भी तलाशी लेता है, मगर वहां कुछ एविडेंस नहीं मिल पाता। प्रीति के पापा बताते हैं कि उनकी पड़ोसन प्रीति की अच्छी दोस्त है, वो विक्रम वहाँ भी पहुँच जाता है। उसका नाम शिला रहता है। उसका डिवोर्स हो चुका रहता है और उसने प्रीति को लास्ट टाइम 12 अगस्त को देखा हुआ रहता है, यानी प्रीति के गायब होने के एक दिन पहले। जाते जाते प्रीति के पापा से विक्रम पूछता है कि प्रॉपर्टी किसके नाम पर है, तो पापा कहते हैं कि प्रीति 18 साल के होने के बाद सारी प्रॉपर्टी प्रीति के नाम पर हो चुकी है। उसके बाद विक्रम प्रीति के कॉलेज जाता है और उसके दो बेस्ट फ्रेंड्स अजय और एकता से पूछताछ करता है, लेकिन कुछ लीड नहीं मिल पाती। एकता और अजय बताते हैं प्रीति अच्छी लड़की थी, उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं था और ना ही वो ड्रिंक वगैरह करती थी। एकता बताती है कि प्रोफेसर चंद्रशेखर और प्रीति के बीच काफी टाइम से टेंशन चल रही है। प्रोफेसर चंद्रशेखर बताता है कि प्रीति उसे पसंद नहीं है क्योंकि वो छोटे छोटे कपड़े पहनती है और उसके दोस्त शराबी और गंजेड़ी है। उसके बाद जितने भी लोग प्रीति के केस से जुड़े रहते हैं उन सबका डीएनए सैंपल लिया जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि विक्रम शॉवर ले रहा होता है और फ्लैशबैक में नेहा और विक्रम की यादें हमें दिखाते हैं। नेहा विक्रम से पूछती है कि क्या तुम्हें हमारे पहले किस कब हुई थी याद है। कबीर कहता है कि दिन तो याद नहीं है, लेकिन क्या फील हुआ था ये याद है। तभी किचन में एक कपड़ा जल जाता है। उस आग को देखकर विक्रम बेचैन हो जाता है क्योंकि उसे फिर से वो जलती हुई लड़की दिखाई देती है। उसके बाद विक्रम होश में आ जाता है। विक्रम रोहित और उसकी पत्नी एक बार में जाते हैं, जहां पर विक्रम को एक बार टेंडर पर शक होता है क्योंकि कुछ महीने पहले उसने एक किडनैपिंग की थी। विक्रम उस बार टेंडर वाले को बाहर बुलाता है और कुछ पूछताछ करते रहता है। तब वो विक्रम को धक्का देकर वहां से भाग जाता है और विक्रम नीचे गिर जाता है। जैसे ही विक्रम आग देखता है तो अपना होश खो बैठता है। विक्रम उस बारटेंडर का पीछा करता है, भागते भागते अपने घर तक पहुंच जाता है। वहां कुछ आदमियों के साथ कबीर और रोहित की हाथापाई हो जाती है। फिर भी विक्रम उसे पकड़ लेता है। उस बारटेंडर वाले के पास से विक्रम को जानकारी मिलती है कि प्रीति उस बार में आती थी, लेकिन जिसके साथ आती थी उसके बारे में बारटेंडर वाले को नहीं पता रहता है। आगे विक्रम प्रीति के माँ बाप से मिलता है और कहता है कि इस घर में कल पूजा रखनी है और ये उसके इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। रोहित पूजा रखने का कारण पूछता है। विक्रम कहता है कि इनविटेशन देने के बाद भी अगर कोई नहीं आता है तो हमारा काम आसान हो जाएगा और यहाँ पर वो आ भी जाए तो उसके बॉडी लैंग्वेज से हमें कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा। अगले दिन प्रीति के घर में पूजा हो रही होती है और विक्रम सबको नोटिस कर रहा होता है। तभी वहां प्रीति की पड़ोसन अचानक शीला आती है। शीला घबराई हुई रहती है और सबको अपने घर कुछ दिखाने ले जाती है।
हम देखते हैं कि शीला के दरवाजे पर एक पेज पड़ा हुआ रहता है और उसमें लिखा रहता है कि डेड बॉडी राजा गोडाउन के सामने है विक्रम। विक्रम उस मैसेज को देखकर काफ़ी पैनिक हो जाता है, उसके पसीने छूटने लगते हैं। विक्रम यही सोचते रहता है कि वहां प्रीति की लाश होगी या नेहा की, और विक्रम खुद को काफ़ी बेबस महसूस करता है। अगले सीन में हम विक्रम के लाइफ का फ्लैशबैक देखते हैं, जहाँ विक्रम एक लड़की के साथ रहता है और उसका कुत्ता भी उनके साथ रहता है। विक्रम को वो लड़की बोलती है कि मैंने आज फिर से उन लोगों को देखा जो बाहर से मुझे देख रहे थे। विक्रम उसके नौकर से पूछता है कि तुमने किसी को यहाँ आते हुए देखा है? नौकर ने किसी को भी नहीं देखा रहता है। विक्रम उस लड़की को गोली देता है और हमें ऐसा लगता है कि वो लड़की मानसिक रूप से अस्थिर है। विक्रम की नींद हॉस्पिटल में खुलती है और राजा गोडाउन के पास जाता है जहां डेड बॉडी की तलाशी हो रही होती है। पूरी पुलिस टीम उस जगह की छानबीन करती है। एक पुलिस वाला कहता है कि 2 से 3 दिन लग जाएंगे ये काम पूरा करने में। विक्रम यहाँ से निकल कर नेहा के ऑफिस में जाता है और सक्सेना के साथ साथ हैंडराइटिंग एक्सपर्ट से मिलता है। हैंडराइटिंग एक्सपर्ट उस कागज़ के नोट को देखता है और बोलता है कि हैंडराइटिंग किसकी है ये पता करना काफ़ी मुश्किल है क्योंकि इसे ड्राइंग की तरह लिखा गया है। विक्रम और रोहित फिर से शीला के घर जाते हैं और उन्हें यकीन होता है कि वहाँ कुछ ना कुछ सुराग जरूर मिलेगा। विक्रम को शीला के घर में एक स्केच दिखता है जिसे शीला ने ही निकाला रहता है। विक्रम उस स्केच की मोबाइल में फ़ोटो लेता है और वो फ़ोटो हैंडराइटिंग एक्सपर्ट को देता है। हैंडराइटिंग एक्सपर्ट बोलता है कि ये डेट नोट नेहा ने ही लिखा हो सकता है। इस बार विक्रम पूरे तैयारी के साथ अपने टीम को लेकर शीला के घर तलाशी करने के लिए जाता है, लेकिन शीला के घर में कुछ नहीं मिलता। जाते जाते बाहर खड़ी कार की भी विक्रम तलाशी करता है। उसके बाद विक्रम की नज़र एक कार पर पड़ती है जो कवर होती है। विक्रम उस कार का कवर हटवाता है और कार का कलर नीला रहता है जैसा इब्राहिम ने बताया था। विक्रम इस नीले कलर के कार की तलाशी लेता है और उसको कार के डिक्की में कुछ कागज मिलते हैं और शीला ने ही वो डेट नोट लिखा था ये साबित हो जाता है। विक्रम तुरंत शीला को गिरफ्तार करता है। शीला को पुलिस कस्टडी में रखा जाता है और उसके हाथ हथकड़ियों से बंधे रहते हैं। विक्रम उससे पूछता है कि तुमने प्रीति को क्यों मारा और नेहा कहाँ पर है। शीला कहती है कि उसे किसी को नहीं मारा है और नेहा को वो पहचानती भी नहीं है और उसने वो डेट नोट इसलिए लिखा था क्योंकि उसे भी लोगों से अटेंशन चाहिए थी। वो ऐसा इसलिए करती है क्योंकि उसके तलाक होने के बाद वो समाज से दूर हो जाती है। उससे फिर से लोगों के बीच आने के लिए वो प्रीति के केस से जुड़ना चाहते। विक्रम को शीला की बातें बकवास लगती है और विक्रम वहाँ से चले जाता है। तब रोहित शीला को सिगरेट देता है और कहता है कि विक्रम आदमी और औरत में कुछ फर्क नहीं करता, दोनों को एक जैसा टॉर्चर करता है। विक्रम शेखावत से शीला के लाई डिटेक्टर टेस्ट की परमिशन लेता है और रोहित को शीला के घर से सारे सैंपल कलेक्ट करने के लिए कहता है। शीला का लाई डिटेक्टर टेस्ट किया जाता है। विक्रम पहले शीला से आसान सवाल पूछता है जैसे कि उसका नाम, उसकी उम्र और डॉक्टर कुछ डेटा कलेक्ट करते हैं। उसके बाद शीला को प्रीति के बारे में पूछा जाता है तो शीला की धड़कन तेज हो जाती है, लेकिन जवाब देते समय शीला नॉर्मल हो जाती है। ऐसा ही होता है जब नेहा के बारे में पूछा जाता है। लाई डिटेक्टर टेस्ट एक्सपर्ट कहता है कि शीला सच बोल रही है, लेकिन कभी कभी क्रिमिनल्स लाई डिटेक्टर टेस्ट से भी बच जाते हैं। तो विक्रम नारकोटिक टेस्ट करने का सोचता है, लेकिन इसमें काफ़ी खतरा रहता है। रोहित भी उसे चेतावनी देता है, मगर विक्रम रिस्क लेने के लिए तैयार रहता है। शीला का नारकोटिक टेस्ट करते हैं, लेकिन डॉक्टर ने दिए गए ड्रग्स का डोज शीला हैंडल नहीं कर पाती और टेस्ट फेल हो जाता है। लेकिन शीला नेहा का नाम जोर से चिल्लाती है तो विक्रम ओवर एक्साइटेड हो जाता है और शीला से जबरदस्ती बोलने को कहता है। विक्रम को वहाँ से बाहर ले जाया जाता है। नारकोटिक्स टेस्ट की खबर शेखावत को मिलती है। शेखावत विक्रम को कहता है कि अगर ऐसा कुछ फिर से करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। अक्षय वहाँ ही रहता है और उसी ने टेस्ट के बारे में शेखावत को बताया रहता है। विक्रम गुस्से से उसकी चाय फेंक देता है। दूसरी तरफ इब्राहिम नीले कार को देखकर कॉल करके विक्रम को बताता है ये वही कार है जिसे उसने हाईवे पर देखा था। तभी
रोहित को कॉल आता है और खबर आती है कि राजा गोडाउन के पास डेड बॉडी मिली है। उस खबर से विक्रम पैनिक हो जाता है और उसके पसीने छूटने लगते हैं। कार से जाते समय हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि दो लोग मास्क पहन के रहते हैं और एक लड़की को जबरदस्ती कार में ले जाया जाता है और उस लड़की पर पेट्रोल डालकर लड़की को जलाया जाता है। विक्रम वही रहता है लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता। विक्रम जोर जोर से रोता है और लाचार होकर वही गिर जाता है। विक्रम और रोहित क्राइम लोकेशन पर पहुंचते हैं। डेड बॉडी सड़ चुकी होती है। डेड बॉडी को देखकर विक्रम को उल्टी हो जाती है। तभी रोहित को कॉल आता है और पता चलता है कि शीला के गाड़ी के टायर की मिट्टी इस जगह से मैच होती है। उसके बाद विक्रम गुस्से में शीला के पास जाता है और पूछता है कि वो लाश किसकी है, नेहा की है या प्रीति की, लेकिन वो बोलती है कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता है। थोड़ी देर बाद विक्रम को कॉल पर पता चलता है कि डेड बॉडी प्रीति की है। विक्रम को काफ़ी दुख पहुंचता है। विक्रम अब शीला को टॉर्चर करना शुरू कर देता है। उतने में रोहित मोबाइल लेकर आता है। विक्रम सक्सेना से फ़ोन पर बात करता है। तब विक्रम को पता चलता है कि विक्रम ने जिन लोगों की लिस्ट दी थी उन सब के डीएनए बॉडी पर मिले हैं, लेकिन एक डीएनए नहीं मिल रहा है। विक्रम तुरंत प्रीति का दोस्त अजय को पकड़ने के लिए जाता है जो अपने नानी के घर पर रहता है। विक्रम और रोहित धीरे धीरे पीछे से अजय के घर में दाखिल होते हैं। विक्रम पहले अजय को पकड़ता है और रोहित उसके दोस्त बंटी को पकड़ता है। अजय बताता है कि प्रीति उसकी गर्लफ्रेंड थी और जब से उसने प्रीति के मौत की खबर सुनी है वो डिप्रेशन में है और इसीलिए यहाँ नशा करने के लिए आया है। जिन लोगों के डीएनए प्रीति के बॉडी पर थे उन सब लोगों को विक्रम पूछताछ करने के लिए बुलाता है, लेकिन एक डीएनए रहता है जो किसी से भी मैच नहीं होता है। तब अनाथ आश्रम की सरस्वती जी बताती है कि प्रीति को रोहित की पत्नी सपना भी पहचानती थी। सपना विक्रम को बताती है कि प्रीति और वो दोनों अनाथ आश्रम में थे, उसे एडॉप्ट कर लिया गया था और वो इंग्लैंड चले गई थी। उसके बाद उसे प्रीति के बारे में कुछ नहीं पता है। विक्रम उसके बाद सपना का ब्लड सैंपल लेता है और डीएनए के लिए फॉरेंसिक लैब में भेजता है। अगले दिन विक्रम को पुलिस स्टेशन से कॉल आता है। वहाँ एक लड़की आई रहती है। वो लड़की बताती है कि आज हाईवे से आते समय नीली कार वाला मेरा पीछा कर रहा था, इसलिए मैं यहाँ स्टेशन में आ गई। विक्रम आज की सीसीटीवी फुटेज देखता है और उस लड़की को फेस स्केच करने के लिए कहता है, लेकिन स्केच बनाने वाला फेस अच्छे से नहीं बना पाता। वो लड़की वहाँ से चले जाती है। उसके बाद रोहित और विक्रम सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहे होते हैं। तभी विक्रम को एक ट्रक दिखता है। विक्रम 2 महीने पहले की भी सीसीटीवी रिकॉर्डिंग चेक करता है। उस समय भी वही ट्रक दिखता है और उस ट्रक ड्राइवर की फोटो लेता है और उस फोटो को क्लियर करने के लिए फॉरेंसिक लैब में भेजता है। विक्रम उस फोटो को सभी आरोपियों को दिखाता है, लेकिन उस ट्रक ड्राइवर को कोई पहचान नहीं पाता। सक्सेना विक्रम को कॉल करके बताता है कि ये फोटो क्लियर नहीं हो सकती है। इसके बाद विक्रम अपने ऑफिस में फाइल चेक कर रहा होता है। तब वहाँ अक्षय आता है और विक्रम को बोलता है कि ये पुलिस के वर्दी में एक गुंडा है, सबसे पहले तो इसे ही अरेस्ट करना चाहिए। इस बात पर विक्रम को गुस्सा आता है और अक्षय के साथ विक्रम की लड़ाई हो जाती है। विक्रम का मोबाइल जमीन पे गिर जाता है। जब विक्रम मोबाइल उठाता है तो उसे उस ड्राइवर की फोटो को देखकर किसी की याद आती है। फोटो को अच्छे से देखने के लिए विक्रम मोबाइल को अच्छे से सेट करके आँख छोटी करके देखता है। विक्रम को याद आता है कि वो एक मैकेनिक है, वो उसके गैरेज में इब्राहिम के साथ गया था। विक्रम ऑफिस से सीधे उसके गैरेज में जाता है और देखता है कि उसका गैरेज बंद है और बारिश भी तेज हो जाती है। उसके बाद विक्रम इब्राहिम के घर जाता है। इब्राहिम को उस ड्राइवर का घर पता रहता है। इब्राहिम और विक्रम जब उसके घर के पास पहुंचते हैं तो वहां नीले कलर की कार भी दिखती है। दोनों उस ड्राइवर के घर के अंदर जाते हैं। तब घर की छानबीन करते वक्त विक्रम को वही इतर मिलता है जो इतर उसने नेहा के घर में महसूस किया था। उतने में ही दोनों पर गोलियां चलने लगती है। बाहर से वो ड्राइवर उन पर फायरिंग करते रहता है। विक्रम उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा करता है। दोनों में फाइटिंग भी होती है, लेकिन वो विक्रम के हाथ से निकल जाता है। तब विक्रम के आगे एक पेड़ पर बिजली गिरती है और पेड़ को आग लग जाती है। उस आग को देखकर विक्रम हमेशा की तरह पैनिक हो जाता है और अपना होश खो बैठता है। वहां विक्रम को संभालने के लिए इब्राहिम आता है, लेकिन वो ड्राइवर इब्राहिम को गोली मार देता है और इब्राहिम की मौत हो जाती है। अब वो ड्राइवर विक्रम को गोली मारने ही वाला रहता है कि वहां विक्रम को बचाने के लिए अक्षय आ जाता है।
ड्राइवर जिसके लिए काम करता है उसका उसे नाम नहीं पता रहता है, लेकिन वो उन दोनों को उसके घर तक पहुंचा देता है। विक्रम उस घर में सावधानी से दाखिल होता है, तब ऊपर से वहां एक आदमी आता है। ये आदमी और कोई नहीं विक्रम का अच्छा दोस्त रोहित ही रहता है। रोहित ने ही ये सब खेल खेला हुआ रहता है। विक्रम पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। रोहित कहता है कि मुझे पता था कि तू जरूर आएगा, तेरे से झूठ कभी नहीं छुप सकता है और मैं तुझे कभी सच नहीं बता पाया। ये बोलकर रोहित विक्रम पर फायर करने वाला रहता है, तभी विक्रम रोहित के सिर में गोली मार देता है और रोहित की जगह पर मौत हो जाती है। उसके बाद नेहा को भी वहां से आजाद कर दिया जाता है। नेहा और विक्रम दोनों एक दूसरे से मिलकर खुशी के आंसू रोते हैं, लेकिन पिक्चर यहाँ खत्म नहीं होती है। जब रोहित का अंतिम संस्कार हो रहा होता है, तब रोहित की पत्नी सपना काफी दुखी रहती है। तब अचानक विक्रम सपना को कहता है कि तुमने ये सब क्यों किया। अब सपना को पुलिस कस्टडी में लाया जाता है और सपना पूरी कहानी पर से पर्दा उठाती है। सपना बोलना चालू करती है और हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है। वो बताती है कि प्रीति और सपना एक ही अनाथ आश्रम में रहते थे। कुछ समय बाद सपना 14 साल की हो गई थी। उसके बाद सपना को प्रीति से प्यार हो गया था, लेकिन सरस्वती उन दोनों को अलग कर देती है। उसके बाद प्रीति को एडॉप्ट करके इंग्लैंड ले जाया जाता है। प्रीति के जाने से सपना को बहुत दुख होता है, वो अकेलेपन को महसूस करने लगती है। कुछ सालों बाद उसकी शादी रोहित से हो जाती है, लेकिन उनकी शादीशुदा लाइफ अच्छी नहीं चल रही होती है। उसे हमेशा प्रीति की याद आती रहती है। एक दिन एक बार में सपना को प्रीति दिखाई देती है। सपना उसे मिलती है और वो काफी खुश होती है। एक दिन सपना प्रीति को आई लव यू कहती है, लेकिन प्रीति को ये सब कुछ पसंद नहीं आता है और उसे प्रीति मना कर देती है। उसके बाद प्रीति पागल होने लगती है और काफी डिप्रेस्ड भी हो जाती है। उसके बाद एक दिन सपना उस ड्राइवर के गैरेज में कार सुधारने के लिए जाती है। ड्राइवर को पैसे की जरूरत रहती है, तो सपना उससे प्रीति को किडनैप करने का काम देती है। वो ड्राइवर रात में जाकर प्रीति की कार खराब कर देता है। उसके बाद दूसरे दिन जब प्रीति की कार खराब होती है, तब ये ड्राइवर वहां जाता है और प्रीति को इंजेक्शन देकर बेहोश करता है। तब ड्राइवर के कान से इतर का कॉटन कार में गिर जाता है। उसके बाद कार को ट्रक में डालकर टोल गेट से निकाला जाता है। जब प्रीति की आंख खुलती है, तो उसके सामने सपना रहती है। उसे देखकर प्रीति काफी डर जाती है। सपना प्रीति के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करती है, लेकिन प्रीति नहीं मानती है। तब सपना के हाथ से प्रीति का मर्डर हो जाता है। तब सपना अपने पति को सब कुछ सच सच बता देती है। रोहित सपना को बचाने की पूरी कोशिश करता है और प्रीति के लाश को जमीन में दफना देता है। उसके बाद रोहित प्रीति का दोस्त अजय, प्रीति के पापा सरस्वती और शीला की DNA सैंपल उस बॉडी पे डाल देता है, ताकि विक्रम को गुमराह कर सके। उसके बाद प्रीति का केस नेहा को मिलता है। रोहित को डर लगता है कि नेहा उसका राज खोल देगी, इसलिए नेहा को बेहोश करके उस ड्राइवर के मदद से नेहा को किडनैप कर लेते हैं। इस बार भी उस ड्राइवर के कान से ईथर का कॉटन नेहा के घर में गिर जाता है, जो विक्रम को मिलता है। उसके बाद विक्रम को रोहित की एक चिट्ठी मिलती है और उसमें लिखा रहता है कि जब तुम मुझे पकड़ने आओगे, तो मेरे बंदूक में गोलियां नहीं रहेगी, क्योंकि मुझे तुम्हारे ही गोली से मौत चाहिए। दोस्तों, मूवी के एंड में हम देखते हैं कि नेहा विक्रम से उसके पास्ट के बारे में पूछती है, लेकिन विक्रम बताने से मना कर देता है। जब दोनों कार में बैठने वाले रहते हैं, तब कोई ऊपर से विक्रम पर हमला करता है और यहाँ मूवी एंड होती है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।